नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज के अंदर एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम किसी की भी चीज़ का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल यूजिंग रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर के साथ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे के साथ में हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि ए 1 डायमेंशनल एरे और ए सिंगल डायमेंशनल एरे इज ए टाइप ऑफ लीनियर एरे। एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सबस्क्रिप्ट दैट कैन आइदर रिप्रेजेंट ए रो और कॉलम इंडेक्स। अब इसी चीज के साथ में हम चलेंगे। जो आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये इसके अंदर एरे ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं आपको एरे एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एरे एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये जो इसका ये ए है, ये क्या है इसका? ये बेस वैल्यू है। क्या है इसकी? बेस वैल्यू है। और ये क्या 1 डायमेंशनल एरे, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आइथ वैल्यू के साथ में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इसको हमें डिक्लेयर करना होता है तो किस नेम से डिक्लेयर करते हैं? टाइप एरे नेम और एलिमेंट्स के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं। टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का एरे नेम ए है। एलिमेंट कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हमने यूज में लिए हैं, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसका एड्रेस फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है एड्रेस फाइंड करने के लिए। एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी। जिसको हम बी को क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू बोलते हैं। बेस वैल्यू क्या होती है? ये बेस वैल्यू होती है प्लस साइज ऑफ इंटीजर। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है साइज ऑफ इंटीजर। इसकी कितनी साइज है? इसकी कितनी साइज है एरे के एलिमेंट की? तो इसके सपोज इंटीजर के अंदर 2 होता है, फ्लोट में 4 होता है, 4 बाइट्स होता है, तो वो साइज ऑफ इंटीजर होता है। इंटू एट्थ वैल्यू, आइथ आई की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी यही चीज दे रखी है। आई इक्वल टू सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड। बी इज द बेस एड्रेस। डब्ल्यू इज द स्टोरेज साइज ऑफ 1 एलिमेंट स्टोर इन एनी एरे इन बाइट्स, लाइक इंटीजर में 2 बाइट्स, फ्लोट में 4 बाइट्स। और नेक्स्ट होता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड और लोअर बाउंड ऑफ द सबस्क्रिप्ट इफ नॉट स्पेसिफाइड अज्यूम 0। अगर हमें पहले से स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे? जो बेस वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू हम लेके इसको चलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में एक एग्जांपल दे रखा है, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, गिवन बेस एड्रेस ऑफ एन एरे एरे ऑफ 1300 से स्टार्ट होकर के 1900 तक जा रहा है एज 1020 एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट्स इन द मेमोरी। फाइंड द एड्रेस ऑफ एरे 1700 का एड्रेस फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो सबसे पहले हमें जो बेस एड्रेस है वो ऑलरेडी गिवन है 1020, तो मैंने वही चीज ले लिया। फिर है लोअर लिमिट और लोअर बाउंड स्क्रिप्ट, जो मैं बात कर रहा था बी की। तो बी की जब मैं बात कर रहा हूँ लोअर बाउंड, तो इसके अंदर एरे के अंदर लोअर बाउंड क्या है? 1300 है। अगर यहाँ पर ये 1300 नहीं होता तो बाई डिफॉल्ट क्या होता? 0 होता। अब स्टोरेज साइज ऑफ एलिमेंट स्टोर इन एरे, डब्ल्यू की जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फॉर्मूले में डब्ल्यू की बात की, तो ये हमें एलिमेंट की साइज ऑलरेडी दे रखी है, कितने 2 बाइट्स दे रखी है, वही चीज़ लिए मैंने। और मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है? एड्रेस एरे ऑफ 1700 का, तो मैंने इसको भी एज इट इज रख लिया। अब इसको मैं क्या करूँगा? फॉर्मूले के अंदर फिट करूँगा। तो फॉर्मूले के अंदर फिट करूँगा तो क्या है? एड्रेस ऑफ
एरे ऑफ आई इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ एलिमेंट्स इनटू एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू एड्रेस, इंडेक्स वैल्यू एड्रेस माइनस लोअर बाउंड। तो सबसे पहले एड्रेस एरे ऑफ 1700 का मुझे फाइंड करना, इक्वल टू बेस वैल्यू मेरी दे रखी है 1020 प्लस साइज दे रखी है 2 bytes इंटू यहाँ पर क्या है इर्थ आई की वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो एड्रेस वैल्यू क्या है 1700 माइनस लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड कितना है 1300, तो मैं 1300 रख देता हूँ। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा और फाइनली जो मेरा उसका आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि 1000 प्लस 2 इंटू 1700 माइनस 1300 करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 इंटू 2 800 प्लस 1020 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1820, कितना आएगा 1820 आएगा इसके अंदर। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन द टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्या, रो और कॉलम फैक्टर के जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, द टू डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज द एरे ऑफ एरे। द टू डायमेंशनल एरे आर ऑर्गेनाइज एज द मैट्रिक्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स एज एरे। इसको लाइक एम एंड एन, या फिर मैं लिख सकता हूँ एरे ऑफ आई जे, एरे ऑफ आई एंड जे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके सामने एक मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिया है टू डायमेंशनल एरे के लिए 0 1 2 0 1 2, तो रो और ये कॉलम है दोनों का मेजर फैक्टर क्रिएट करेंगे तो एरे ऑफ 0 0 0 1 0, देन एरे ऑफ 0 1 0 1 0 2 0 2, इसी तरीके 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2, यहाँ 2 0 2 0 एरे ऑफ 2 1 2 1 2 2 2 2, इस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर हम इसको फाइंड करते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन टू डायमेंशनल एरे, देर आर फॉलोइंग टू वेज। पहला होता है रो मेजर ऑर्डर, दूसरा होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर की हम बात करें तो मैंने बताया ऊपर आपको कि एरे को रिप्रेजेंट करते हैं आई और जे की फॉर्म में। आई क्या होता है, आई होता है रो और जे होता है कॉलम। तो इसको जब हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे, इस तरीके से लेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये रो कॉलम होते हैं। तो इसके अंदर ये क्या होगा, इसका ये रो हो गया, रो 0 1 2, और ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरीके से ये कॉलम इसके हो गए। जब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका अगर एड्रेस निकालना, मुझे एरे ऑफ 0 का एड्रेस फाइंड करना है अगर मेरे को, तो मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा इसका एरे ऑफ 0 का एड्रेस फाइंड करूँगा, तो क्या करूँगा, एरे ऑफ 0 प्लस आई, आई क्या है मेरे पास में, यहाँ पर रो है, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ रो के साथ में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को लेंगे, इनटू साइज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की क्या साइज है, प्लस अब करेंगे इसके साथ में जे इनटू साइज ऑफ एलिमेंट्स, जे कॉलम, कॉलम के साथ में उसकी एलिमेंट्स की क्या साइज है, उसको भी हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे चलेंगे तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, तो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको एक देसी अंदाज में। रो मेजर ऑर्डर के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमेशा इस तरीके से चलता है, A11, A12, A13, फिर वापस फर्स्ट से आता है
A21, A22, A23, फिर आता है A31, A32, A33। इस तरीके से रो मेजर ऑर्डर होता है और कॉलम मेजर ऑर्डर होता है इस तरीके से A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर को। तो इसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे, अगर आगे हम देखेंगे इसी चीज को, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रिप्रेजेंट करेंगे रो मेजर ऑर्डर के अंदर वही सारी की सारी चीजें होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो मेजर ऑर्डरिंग एसेसिंग सक्सेसिव एलिमेंट मूविंग अक्रॉस द रो एंड देन डाउन द नेक्स्ट रो टू सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। इन सिंपल लैंग्वेज, द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन द रो वाइज फैशन। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट यूजिंग रो मेजर ऑर्डर यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। लाइक फॉर्मूला वही पहले वाला है जो वन डायमेंशनल में था, एड्रेस ऑफ एरे आई इंटू जे इक्वल टू बी बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ एलिमेंट्स इंटू आई इंडेक्स ऑफ एड्रेस ऑफ इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड इंटू एन वही साइज ऑफ एलिमेंट्स प्लस जे माइनस लोअर कॉलम एंड लोअर रो, ये रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर। तो आई इक्वल टू रो सब्जेक्ट ऑफ द एलिमेंट हुज द एड्रेस टू द फाउंड, जे कॉलम सबसेट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस टू द फाउंड, बी इज द बेस एड्रेस, डब्ल्यू इज द साइज ऑफ एलिमेंट्स इन बाइट्स, एल आर इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द रो स्टार्ट्स रो इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, एल सी लोअर लिमिट ऑफ कॉलम स्टार्ट्स इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स, एन है नंबर ऑफ कॉलम गिवन इन द मैट्रिक्स। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम दे रखे हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे समझते हैं। एग्जांपल है गिवन एन एरे, एरे 1 to 10, इसके अंदर कॉलम दे रखे हैं, रो दे रखी हैं और कॉलम दे रखे हैं 1 से 15 विद द बेस वैल्यू इसके अंदर कितने दे रखी है, 100 दे रखी है, एंड साइज ऑफ द ईच एलिमेंट 1 byte, हर एक एलिमेंट की जो साइज है वो कितने 1 byte है इन मेमोरी। फाइंड द एड्रेस एरे ऑफ 8 into 6, 8 row and 6 column है विद द हेल्प ऑफ रो मेजर फैक्टर, और रो मेजर फैक्टर के हेल्प से हमें इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बेस एड्रेस देखेंगे कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। स्टोरेज साइज ऑफ 1 element स्टोर डब्ल्यू कितनी दे रखी है, 1 byte दे रखी है, तो इसको एज इट इज ले लेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट में इसी चीज़ को देखेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम इसके अंदर जब हम काम करेंगे तो हम इसको चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर एक ही चीज़ होगी, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी मैं आपको बताऊँ। इसके अंदर वही लो रो सबसेट ऑफ एन एलिमेंट हुज द एड्रेस ऑफ द फाउंड, आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है मैंने इतनी 8 दे रखी है, जे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, लोअर लिमिट रो इसके अंदर कितना है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और लोअर लिमिट कॉलम की मैं बात करूँ तो कॉलम भी कितना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम गिवन द मैट्रिक्स एन नंबर ऑफ कॉलम दे रखा है, तो इसके अंदर वो फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो अपर बाउंड कितना है इसके अंदर कॉलम का, 15 है, तो 15 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 15। इसी तरीके से इसको आगे अब फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज को, तो हमारा फॉर्मूला है एरे ऑफ आई इंटू जे इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ एलिमेंट इंटू एड्रेस ऑफ इंडेक्स एलिमेंट माइनस लोअर रो इंटू एन प्लस जे माइनस एल सी। इसके अंदर जब हम रखेंगे तो सबसे पहले बेस वैल्यू हमें 100 दे रखी है, प्लस साइज हमें 1 element दे रखी है, इंटू 8 क्या है इसके अंदर, जो रो मेजर क्या करना था, रो निकालनी थी, इसकी रो दे रखी है कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है ऑलरेडी, 8 दे रखी है, और कॉलम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो कॉलम 6 माइनस 1 इंटू 15, माइनस 1 क्या है, लोअर रो
और इंटू 15 जो इसका क्या है मेजर फैक्टर जो मैंने आप एन फाइंड आउट किया इसको, प्लस प्लस 6 क्या है इसकी कॉलम्स है -1 जो स्टार्टिंग है लोअर कॉलम्स स्टार्ट हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे 100 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 15 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 110, 110 इंटू 1 प्लस 100 तो एड्रेस ऑफ आई इंटू जे की जो एड्रेस वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 210 वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर हम बात करें कॉलम मेजर ऑर्डर की, कॉलम मेजर ऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ तो वो भी सेम ही चीज़ है। इफ एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन कॉलम मेजर फैशन मीन्स मूविंग अक्रॉस द कॉलम एंड देन टू द नेक्स्ट कॉलम देन इट इज द कॉलम मेजर ऑर्डर। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। जो एड्रेस ए आई इंटू जे है जहाँ पर रो और कॉलम है इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस जे माइनस एल सी इंटू एम प्लस आई माइनस एल आर, जो वही सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं रो सबसेट जे इक्वल टू कॉलम सबसेट बी इक्वल टू बेस एड्रेस डब्ल्यू इक्वल टू स्टोरेज साइज ऑफ एलिमेंट्स एल आर इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ रो एल सी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ कॉलम्स और एम इक्वल टू नंबर ऑफ रो गिवन इन द मैट्रिक्स, कितनी रो मैट्रिक्स के अंदर दे रखी हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हमारे पास में जो एक एग्जांपल है गिवन द एरे ऑफ 1 to 10 रो 1 to 15 कॉलम विथ द बेस वैल्यू ऑफ 100 एंड द साइज ऑफ द ईच एलिमेंट इज 1 byte इन द मेमोरी फाइंड द एड्रेस ऑफ द एट एरे ऑफ 8 row 6 column विथ द हेल्प ऑफ द कॉलम मेजर फैक्टर। पहले रो मेजर फैक्टर कैलकुलेट किया था, अब कॉलम मेजर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बेस वैल्यू 100 दे रखी है, वेट 1 byte दे रखा है एलिमेंट साइज, और लोअर बाउंड इसका रो है 8 और अपर बाउंड कॉलम है 6, लोअर रो है 1 से स्टार्ट और लोअर कॉलम है वो भी 1 से स्टार्ट है। अब इसका जो एम मैट्रिक्स है उसको अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करते हैं, अपर बाउंड 10 माइनस लोअर बाउंड माइनस 1 प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर बाउंड कितना 10 है माइनस लोअर बाउंड कितना 1 है, तो 10 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा इसका 10 वैल्यू निकल के आ जाएगा, 10 वैल्यू निकल के आएगा। तो इसी चीज़ को अगर आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे, फॉर्मूले में आई इंटू जे इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ एलिमेंट्स इंटू जे माइनस लोअर कॉलम इंटू एम प्लस आइथ ऑफ इंडेक्स माइनस लोअर रो। इसका जो बेस वैल्यू 100 प्लस 1 इंटू 6, इसका 6 क्या है कॉलम से माइनस 1 इंटू 10 जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया था एम, 10 प्लस 8 क्या है इसका लोअर बाउंड जो इसका रो है माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा फाइनली आई इंटू जे का एड्रेस आएगा 157, कितना आएगा आई इंटू जे का हमारे पास में निकल के आएगा 157। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सेम पोजिशन टू डिफरेंट एड्रेस लोकेशन आर ऑब्टेंड द बिकॉज इन रो मेजर ऑर्डर मूवमेंट इज डन अक्रॉस द रो एंड देन डाउन टू द नेक्स्ट रो एंड इन कॉलम मेजर ऑर्डर फर्स्ट मूव डाउन टू द फर्स्ट कॉलम एंड देन नेक्स्ट कॉलम सो बोथ द आंसर आर राइट। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट हुज द एड्रेस इज टू फाउंड फॉर द कॉलम केस एंड सेम आंसर इज ऑल्सो ऑब्टेंड विद रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर एंड सम केस डिफरेंट आंसर आर ऑब्टेंड। अब हम देखते हैं इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे की मैं जब बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल एरे इज द कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरे इट इज स्पेसिफाइड बाई यूजिंग थ्री सबसेट।
पहला होता है ब्लॉक साइज, रो साइज और कॉलम साइज। ब्लॉक साइज, रो साइज एंड कॉलम साइज। मोर डायरेक्शन इन एरे मीन्स मोर देन डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द एरे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स है वन और टू, इसके अंदर ये हैं, ये वन है ये टू है। सेकेंड डायरेक्शन है इसके अंदर वन टू एंड थ्री है। थर्ड डायरेक्शन है इसके अंदर वन टू थ्री एंड ये फोर है, थर्ड डायरेक्शन है। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल इस तरीके से बनता है, एक तरीके से जीरो होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो इसी क्रम में अगर हम इसी चीज को देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल की जो आती है वो क्या है, द फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन थ्री डायमेंशनल एरे। देर आर द फॉलोइंग टू वेज, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर के अंदर वही सेम फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, इसकी सारी बेस वैल्यूज को काउंट करेंगे और हम फाइनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम इसका एड्रेस कैलकुलेट करेंगे 730। सेम लाइक एज हम कॉलम मेजर ऑर्डर निकालेंगे जो टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल में निकाला था, सेम हम इसके अंदर थ्री लेंगे, थ्री डायमेंशनल लेंगे और इसी फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको यूज करेंगे और हम इसको फाइनली फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद में लाइक मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन एन एरे, एरे कितना 1 से 8 दे रखा है, फिर माइनस 5 से 5 दे रखा है, माइनस 10 से 5 दे रखा है, विद द बेस वैल्यू 400 एंड साइज ऑफ द ईच एलिमेंट 4 बाइट। इन द मेमोरी फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट एरे 333 विद द हेल्प ऑफ द कॉलम। तो इसके अंदर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलिमेंट्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, J की वैल्यू 3 हो जाएगी, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, W कितना है इसके अंदर 4 बाइट्स दे रखा है, बेस एड्रेस कितना 400 दे रखा है। तो इसी तरीके से जब हम इसकी लोअर बाउंड सेट करते हैं तो 1 से सेट करते हैं और इसकी कॉलम लोअर बाउंड करते हैं Y का तो -5 है और इसका ब्लॉक का लोअर बाउंड करते हैं तो -10 है और इसमें m और n निकालेंगे तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 होता है, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 11 और इसमें अपर बाउंड 1, 5 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 16। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, फॉर्मूला ये हमारा दे रखा है कि थ्री डायमेंशनल एरे आई जे की के साथ में बेस वैल्यू प्लस साइज ऑफ एलिमेंट्स प्लस इंटू एम इंटू एन आई माइनस एक्स प्लस एम इंटू के माइनस जेड प्लस जे माइनस वाई। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू रखेंगे हम, इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फाइनली जब हमारा जो एड्रेस निकल के आएगा एरे ऑफ आई जे और के का, वो आएगा 2412 बाइट्स के रूप में ये एड्रेस निकल के आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा रो मेजर कॉलम फैक्टर्स एरे का पार्ट ख़त्म होता है। और दोस्तों अब मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेके आएंगा, लिंक्डइन लिंक लिस्ट। जो लिंक लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके बारे में हम बहुत ही इत्मीनान से वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरीके का कोई अगर आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।